बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, आज हमारी पोएम द डिलाइट सॉन्ग, इसको ओआर स्कॉट मावाडे ने लिखा। ये एक अमेरिकन राइटर है, बहुत ही रिनाउंड राइटर है। इसने लिटरेचर के अंदर पुलित्जर प्राइज प्रोटेक्शन, नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स अपने नाम की। आज की इनकी जो पोएम है द डिलाइट सॉन्ग, ये नेचर के साथ उनकी मोहब्बत की अकासी करती है। पहले हम इसके स्टैंजास को देखते हैं, उसके बाद इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन और इसके ऊपर कमेंट्स भी करेंगे। आई एम अ फीदर ऑन द ब्राइट स्टार, ये जो रेड फोन के अंदर है, ये उनके सिनोनिम्स लिखे हुए हैं वर्ड्स की। आई एम द ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द फील्ड, आई एम द फिश दैट रोल्स शाइनिंग इन द वाटर, आई एम द शैडो दैट फॉलोज अ चाइल्ड, आई एम अ फीदर, फीदर के मैंने क्विल उर्दू में इसको पर कहते हैं, ऑन द ब्राइट स्टार। I am the blue horse that runs in the plain, plain, flat land, बिल्कुल हम बात सतह को कहते हैं। I am the fish that trolls, trolls mean moves, बल खाना, shining in the water, I am the shadow that follows a child, I am a feather on the bright sky, मैं रोशन आसमान पर एक पर की मानव हूँ। I am the blue horse that runs in the plain. मैं एक नीला घोड़ा हूँ जो मैदान में दौड़ता है। I am the fish that rolls shining in the water. मैं एक मछली हूँ जो पानी में बल खाती और चमकती है। I am the shadow that follows a child. मैं एक साया हूँ जो बच्चे के पीछे पीछे चलता है। Basically, the poet expresses his feelings of pleasure and satisfaction among the objects of nature. शायर फितरत के ऑब्जेक्ट्स के दरमियान अपनी खुशी और इत्मीनान की जो एहसास उनको बयान करता है। He identifies himself with many beautiful things of his surroundings. वो अपने इर्द गिर्द की बहुत सी खूबसूरत चीजों के साथ अपनी शनाख्त करता है। He calls himself a feather on a bright star. वो अपने आप को चमकते हुए आसमान पर एक पर कहता है। A blue horse who runs in plain, और एक नीला घोड़ा जो कि मैदानों में दौड़ता है। A fish that swims brightly in the water. और एक मछली जो कि पानी के अंदर चमकती हुई तैरती है। एंड अ चाइल्ड्स शैडो दैट फॉलोस मी, और एक बच्चे का साया जो उसके पीछे पीछे आता है। बेसिकली इन लाइंस के अंदर हमें शायर की डिलाइट एंड अटेस्ट सीख है वो नुमाया तौर पे नजर आ रही है। He takes delight in becoming a feather flying in the air, breeze, wind, and so on. यहाँ पर शायर एक फर्क मानते हैं। फिजाओं के अंदर उन्हें एक फ्री अंदाज में वो हमें जन कहता है। And he, I am the blue horse, और वो अपने आप को blue horse कहता है। And blue horse is something which does not exist in the world. Uski imagination hai. He used this term to feel very much distinguished from the other common people. To dusre logon se apne aap ko numaya karne ke liye ye term use kar raha hai. Fir wo kehta hai, I am the shadow that follows a child. He loves children for their innocent misuse or acts. He has great love and affection for children. Therefore, he wants to remain close to the
Tulu, Achilda, like a shadow, she enjoyed their company, their childish pleasure, their childish ecstasy, their childish mischiefs. These metaphors show poets' extreme association and love this with this atmosphere and nature. ये जितने भी इश्तेहारे इस्तेमाल किए गए हैं ये शायर की फिजा यानी जिद्दोनवा के माहौल और फितरत के साथ उसके ताल्लुक और मोहब्बत को जाहिर करती है. दिस डिलाइटफुल एंड लवली एक्सप्रेशन शोज पोएट्स ऑप्टिमिज्म. और ये बहुत ही खुशगवार और पुरजोश का इजहार है ये शायर के ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिज्म कहते हैं जिंदगी के अंदर चीज़ों के पॉजिटिव जो पहलू होते हैं उनको देखना, मस्बत अंदाज में देखना. तो नेक्स्ट स्टैंजा में कहता है, आई एम द इवनिंग लाइट दैट लस्टर ऑफ मेडोज. लस्टर्स मीन शाइन. आई एम एन ईगल प्लेइंग विद द विंड. आई एम अ क्लस्टर. क्लस्टर मीन्स बंच. A bright bees, bees के many pearls moti. I am the farthest star, farthest बहुत दूर है. I am the evening light, मैं शाम की रोशनी हूँ. The luster of meadows, और सबसे जारों की चमक. I am an eagle playing with the wind, मैं हवा से खेलने वाला एक उकाब हूँ. I am a cluster of bright bees, मैं चमकदार मोतियों का एक बंच हूँ, एक गुच्छा या झूमट हूँ. I am the farthest star, मैं सबसे दूर वाला सितारा. Again, the poet expresses his feelings of pleasure and satisfaction amongst the objects of nature. एक बार फिर शायर फितरत की चीजों के दरमियान अपनी खुशी और इत्मीनान एहसास को बयान करता है. He identifies himself with many beautiful things of his surroundings. वो अपने इर्द गिर्द की बहुत सी खूबसूरत चीजों के साथ अपनी शनाख्त करता है. He calls himself the light of evening. वो अपने आप को शाम की रोशनी कहता है. The glitters in meadows, और सब्जारों के अंदर चमक दमक अपने आप के साथ जोड़ता है. He is an eagle playing and leaping and blowing wings. वो एक उकाब है जो चलती हुई हवा के अंदर खेलता और छलांगे लगाता है. The poet identifies himself with a bunch of leaves and a star that shines in the distant sky. शायर अपने आप को फूलों के मोतियों के गुच्छे यानी झुरमुट और चमकते हुए सितारे जो दूर आसमान पे चमकते हैं उसके साथ शनाख्त करता है. इस स्टैंजा के अंदर अगर हम दोबारा देखें इस बात पे, He calls himself an eagle. अलामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, उन्होंने क्या कहा था कि शाही है बसीरा गर पहाड़ों की किताबों. वो अपने आप को एक ऐसे परिंदे के साथ तशबीह देता है क्योंकि दूसरों से बहुत आला और अल्फा है, इसका मुकाम बुलंदियाँ हैं. यानी वो खुशी की इस इंतहा पे पहुँच चुका है तो हर खूबसूरत जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ अपने आप को रिलेट कर रहा है. इन थर्ड स्टैंजा, आई एम द कोल्ड ऑफ डॉन. डॉन कहते हैं डे ब्रेक को, सनशाइन के वक्त को जब शहर फूटना शुरू होती है. आई एम द रोरिंग ऑफ द रेन. Even getting thunder, there is chamakku. I am the glitter, glitter means shine, on the crust of the snow. This getting harlier, aftego. I am the long shadow, the moon in the lake. क्या कहते हैं course path रास्ते. I am the cold of the dawn. मैं शहर की ठंडक हूँ. I am the roaring of the rain. मैं बरसात की गरज हूँ. आई एम द ग्लिटर ऑन द क्रस्ट ऑफ द स्नो. मैं बर्फ की सतह की चमक हूँ. आई एम द लॉन्ग शैडो ऑफ द मून इन द लेक. मैं झील में चांद के
obstacle to be prosperous. Again, the poet expresses his feelings of pleasure and satisfaction among the objects of nature. He identifies himself with many beautiful things of his song. The poet calls himself the cold of dawn. शायर अपने आप को शहर की ठंडक कहता है, सुबह के वक्त की ठंडक कहता है, और ये वो वक्त होता है जो हर किसी को बहुत अच्छा लगता है और इंसान अच्छे अच्छे सत्ते अच्छे दूर के अंदर देखता है। द रोर ऑफ रेन, बारिश की गरज हो, जब बारिश बरसती है तो बहुत सुहाना मौसम हो जाता है। तो इस खूबसूरत मौसम के साथ शायर अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करता है। द ग्लिटर ऑफ स्नो एंड द लॉन्ग ट्रैक ऑफ मून इन द लेक, और जो बर्फ की चमक है, ये पहाड़ों पे जब बर्फ पड़ती है वो बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करती है, और नदी के अंदर चांदनी रातों में एक गहरा पानी में चांद का साया दिखाई देता है, वो भी बहुत ही सुहाना सा लगता है। इन खूबसूरत चीजों के साथ शायर अपने आप को रिलेट करके अपनी अंदर की जो खुशी है उसका इजहार करता है। The images create a strong impact on the mind of the reader. और ये जो तस्वीर उसने यहाँ भी इस्तेमाल की है, जो मुख्य तारे इस्तेमाल की हैं, जो पढ़ने वाले के जहन के ऊपर एक बहुत ही गहरा असर छोड़ते हैं। I am a flame of four colors. मैं चार रंगों की शोला हूँ। I am the whole dream of these things. मैं इन चीजों का मुकम्मल सपना हूँ। You see, I am alive. I am alive. You see, तुम देखते हो। I am alive. मैं जिंदा हूँ। I am alive. मैं जिंदा हूँ। I stand in good relation to the earth. मेरा जमीन के साथ एक अच्छा ताल्लुक। Again, the poet expresses his feelings of pleasure and satisfaction among the objects of nature. एक बार फिर शायर कुदरत की अशिया के दरमियान अपनी खुशी और इत्मीनान के एहसास को बयान करता है। He identifies himself with many beautiful things of his surroundings. और नेचर की बहुत सी खूबसूरत चीजों के साथ अपनी शनाख्त करता है। The poet calls himself a flame of four glittering colors. शायर अपने आप को चार चमकते हुए मुख्तलिफ रंगों का शोला है। आमतौर पे अगर आप शोला देखेंगे एक कलर का होता है, लेकिन हर चार रंगों का शोला, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स, विच शोज द इनर हैप्पीनेस एंड द एक्सटेसी ऑफ द पोएट। ऑल दीज थिंग्स आर डिलाइट, ड्रीम ऑफ द पोएट। ये तमाम चीजें जो हैं ये शायर की डिलाइटफुल ड्रीम की माना है। जब इंसान खुश होता है, उसका मन खुश होता है, तो वो खूबसूरत सपने देखता है। He has good relation with beauty, living things, nature and the atmosphere. उसका खूबसूरती जिंदा चीजों फितर और फितर के माहौल के साथ अच्छा ताल्लुक है। He finds no hurdles or difficulties anywhere in the universe. वो कायनात के अंदर कहीं भी कोई मुश्किल या कोई रुकावट अपने लिए नहीं पाता। I stand in good relation to the laws. I stand in good relation to the laws. Maya haakon ke saath ek acha taluq hai. I stand in good relation to all that is beautiful. Mera har us cheez ke saath acha taluq hai jo khoobsurat hai. I stand in good relation to all that is fruitful. Fruitful means useful, मुफीद होना, समराव होना। मेरा हर उस चीज के साथ अच्छा ताल्लुक है जो कि फायदेमंद है। You see, I am alive, I am alive, I am alive. तुम देखते हो, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। यहाँ पर फिर शायर क्या कहता है? That he enjoys harmonious relationship with all the lords of the world. कि वो दुनिया के जितने भी आका हैं, ये हुक्मरान है, बड़े बड़े लोग हैं, उनके साथ एक बहुत ही अच्छा ताल्लुक से लुत्फंदोज होता है। His link with nature is delightful and beautiful. उसका फितरत के साथ जो ताल्लुक है वो बहुत ही खुशगवार और बहुत ही खूबसूरत है।
ऑल दीज थिंग्स गिव हिम पीस एंड कम्फर्ट. ये तमाम चीजें उसको आराम और सुकून देती हैं. दे कीप हिम अ चाइल्ड अलर्ट एंड एक्टिव. वो उसको पुरजोश मुस्तैद चुस्त रखते हैं. He finds no hurdles or difficulties anywhere in this universe. उस कायनात के अंदर कोई रुकावट या मुश्किल अपने लिए नहीं पाता. अब जरा हम इसके की तरफ आते हैं. The poet is drowned in the river of natural beauty. शायर कुदरती खूबसूरती के दरिया के अंदर अपने आप को डूबा हुआ महसूस करता. He feels delight and excitement in the dazzling beauty of nature. वो फितरत की इंतहाई खूबसूरती चुका देने वाली खूबसूरती में बहुत ही अपने आप को खुश और पुरजोश महसूस करता है. He is delighted to be a part of nature. वो फितरत का हिस्सा होने को खुश है. He sees himself in the evening light. वो अपने आप को शाम की रोशनी in the shining stars, चमकते सितारों in the sound of the rain, बारिश की आवाज में in the crust of the snow, और बर्फ की चमकीली सतह में एंड इन द लॉन्ग ट्रैक ऑफ द मून, और झील के अंदर चांद के तवील रास्ते में अपने आप को देखते हैं. द एसोसिएशन विद नेचर हेल्प्स हिम इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप विद द अर्थली ऑब्जेक्ट्स एंड क्रिएचर्स. उसकी फितरत के साथ ताल्लुक उसकी जमीनी अशिया मखलूकात के साथ ताल्लुक को कायम करने विद द क्रिएटर और इस पूरी कायनात की खालिक के साथ अच्छा ताल्लुक कायम करने एंड विद एवरीथिंग दैट इज ब्यूटीफुल एंड बेनिफिशियल फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑफ द लॉर्ड. और वो हर चीज़ जो खूबसूरत और फायदेमंद है अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक के लिए, उनसे ताल्लुक जोड़ने में उसकी मदद करती है. दिस रियलाइजेशन मेक्स हिम फील दैट ही इज फुली अलाइव हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग. ये एहसास उसको ये महसूस करवाता है वो बहुत जिंदा खुश और मजबूत जिंदगी गुजार रहा है. आई होप कि अगर आप इसको एक दो बार गौर से सुनेंगे तो आपको ये पोएम बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी. अल्लाह.